तो चलिए आज हम बनाते हैं 3KG में स्टेप केक। और इसका देख सकते हो पाइनएप्पल फ्लेवर पर रहेगा, लेयर वगैरह पहले कंप्लीट कर चुका हूँ। और इसका इस केक का मतलब क्या प्राइस लिया वो भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो आप लोग पूरा देखना। और वैसे भी ये वाला केक ना बहुत मस्त फिनिशिंग बनने वाला है, और प्लस ट्रफल का भी यूज़ करूँगा, वाइट येलो ट्रफल का। और ट्रफल का ड्रॉपिंग प्रॉपर कैसे करते हैं इस वीडियो पर मैं आप लोग को बताऊँगा, और मेरा बहुत मस्त हुआ भी है, और वो कैसे होता है वो भी इस वीडियो पर बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखना तो आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाएगा केक कैसे बनता है। इसका फोटो मैं पहले आप लोगों के साथ पोस्ट कर चुका हूँ, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था फोटो को, और प्लस बोला भी था आप लोगों ने कि भैया इसका जितना जल्दी हो सकता है वीडियो आप अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो लीजिए आप लोगों के साथ वीडियो में ला चुका हूँ, ठीक है। तो देखा आपने, लेयर बना करके पहले से रख लिया था, और वाइट का पूरा आइसिंग इसमें कर दिया हूँ, देख सकते हो कितने अच्छे फिनिशिंग से। और अगर साइड से ऐसा भी अगर आप लोग को कलर बनाने का रहता है ना, तो आप लोग ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नीचे पूरा येलो और फिर मतलब ऊपर वाइट का दो मतलब कलर बनाने का, ठीक है। आप पूरा वाइट का आइसिंग कर लेना, उसके बाद पतला मतलब ज़्यादा ऐसा ज़्यादा क्रीम नहीं लेना है, छोटा सा पाइपिंग बैग में येलो कलर का क्रीम बना लेना। और अभी मैं इसमें दिखाऊंगा आप लोग को, एक तो मैं दिखा चुका हूँ नीचे स्टेप का और ऊपर स्टेप का, ठीक है। छोटा सा पाइपिंग में भर लेंगे, और उसके बाद जितना गैप में लेना होगा आपको, ठीक है, पतला चारों बगल से इसमें हम डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद वहीं पे मिक्स कर देंगे, ये देख सकते हो इसी तरह से हल्का मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा क्रीम लेंगे और आइसिंग नाइफ से इसको हम फिर मिक्स कर देंगे, फिर उसके बाद फिनिशिंग कर देंगे। तो ये देख सकते हो दो कलर में आ गया पूरा, मतलब येलो कलर करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से कवर कर सकते हो आराम से। और अगर कभी भी स्टेप केक ऐसा बैठाते हो ना, तो सेंटर में रखना, ठीक है। अगर सेंटर में नहीं रहेगा तो टेढ़ा मेढ़ा होगा, केक अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। इसलिए कभी भी बैठाना था सेंटर में बैठाना, सेंटर में रहने से आपका केक मस्त रहेगा, झुकेगा नहीं किधर भी, ठीक है। तो स्टेप वगैरह तो पूरा रख दिया देख सकते हो, बाकी बेस भी फिनिशिंग करना था, तो येलो कलर से ही करना है हमें, क्योंकि आप चाहो तो व्हाइट का भी कर सकते हो, लेकिन जो फोटो मेरे पास आया था वो व्हाइट येलो का ही था, व्हाइट का नहीं था इस वजह से। और बाकी येलो कलर का ही छोटा मतलब पाइपिंग में नोजल डाल दिया इसमें, देख सकते हो। बाकी ऊपर से फिर ट्रफल इसमें ड्रॉपिंग कर दिया हूँ, और मैं बोला था ना परफेक्ट ट्रफल ड्रॉपिंग कैसे करना था, देख सकते हो। ज़्यादा आपको मोटा भी नहीं रखना और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, मतलब ज़्यादा ट्रफल पतला नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब आप ड्रॉपिंग करते हो तो थोड़ा थोड़ा गिराना, ठीक है। ज़्यादा दबाओगे तो पूरा नीचे तक चला जाएगा, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। फोटो कंप्लीट कर दिया, अब चलो आप लोग को फ्लावर बना करके बताता हूँ। तो येलो क्रीम से ही पूरा फ्लावर बनाया हूँ, लेकिन बीच में सिर्फ रेड कलर का स्प्रे कर दिया हूँ, डस्ट मतलब ऐसा फुसफुस का जो रहता है वो डाल दिया हूँ, देख सकते हो। पहले बनाना है थोड़ा सा फ्लावर बनाना, उसके बाद पूरा रेड कलर, फिर चाहो तो कुछ और कलर इस तरह से स्प्रे कर देना, देख सकते हो। और फिर उसी कलर से नीचे में मतलब कुछ कटिंग कर देना, क्योंकि इस तरह का फ्लावर देखने में बहुत अच्छा लगता है, दो कलर का जो रहता है। तो मैं दो फ्लावर बना करके दिखाया, बनाना इसमें पांच था, ठीक है, जो कि मैं बना चुका हूँ, देख सकते हो। और इस पर फ्लावर सेट करना है, लेकिन हाँ थोड़ा पीछे क्रीम रख रहा हूँ इसलिए, क्योंकि सामने की तरफ फ्लावर ऐसा डाउन करना है इस वजह से। और आप लोग भी अगर लगाते हो तो इस तरह से यूज कर सकते हो, ताकि देखने में मतलब अच्छा लगता है, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे स्ट्रेट रखे तो थोड़ा अजीब से लगता। तीन फ्लावर ऊपर लगा दिया, दो नीचे लगाना, ठीक है। और केक देख सकते हो कितना मस्त दिख रहा है अभी से, लेकिन कंप्लीट होने के बाद में और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देख सकते हो अच्छे से इसको सेट कर दिया, आप चाहो तो ज़्यादा भी सेट कर सकते हो, प्लस नीचे भी लगा सकते हो, लेकिन जो मेरे पास फोटो आया था उसमें इतना ही था, बस फ्लावर सेट कर दी हूँ। बाकी जो ग्रीन पत्ता रहता वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, देख सकते हो, क्रीम का ही बना करके, और नीचे पे भी सेम ऐड कर दूंगा। और बाकी साइड से मतलब कुछ स्प्रिंकल्स जो रेडीमेड रहता ना वो इस पर ऐड कर दूंगा, क्योंकि फोटो पे था तो मेरे को भी करना पड़ेगा, लेकिन सेम नहीं था मेरे पास, कुछ अलग था तो मैं वही कर देता हूँ, देख सकते हो। तो बस ये वाला केक में इतना ही था, और ज़्यादा कुछ डिजाइन नहीं था, मतलब एक तरफ से सिंपल बोल सकते हैं, आप लोग भी ईजिली बना सकते हो, और प्लस 3KG का ही था, ज़्यादा बड़ा था नहीं ये वाला केक। और इस केक का प्राइस हमारा 1600 था, ज़्यादा था नहीं। अगर आपके पास होता सेम केक तो कितना प्राइस होता बताना कमेंट करके।